चौथे मरहले के चुनाव में जहां 96 सीटों पर आज वोटिंग हुई, कई बड़े चेहरों की किस्मत दांव पर है। जहां लड़ाई कड़ी है तो वहीं चौथे मरहले में वोटिंग के दौरान भी कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है जिसने माहौल को और गर्मा दिया है। कहीं वोटर्स आपस में मारपीट कर रहे थे तो कहीं नाबालिग वोट डालने पहुँच रहे थे। इतना ही नहीं, उम्मीदवार खुद वोटर्स को चेक तक कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं हैदराबाद की, जहाँ असदुद्दीन ओवैसी बनाम माधवी लता की बड़ी लड़ाई है। आज हैदराबाद में भी वोट डाले गए थे, लेकिन वोटिंग के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा है माधवी लता की इन तस्वीरों की, जिसमें वो मुस्लिम महिलाओं का बुर्का हटाकर चेकिंग करती दिखी। बीजेपी उम्मीदवार माधवी हैदराबाद के एक पोलिंग सेंटर का अचानक दौरा करने पहुंच गई और वोटर्स की चेकिंग करने लगी। इस दौरान उन्होंने इन खातून वोटर्स के वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड को देखा। दावा किया कि हैदराबाद चुनाव में गड़बड़ी की जा रही है। अगर आप नकाब निकाल कर गलत बोल रहे तो वोटर आईडी कैसा बना बिना नकाब निकाले? वो आपका राइट बोल गया। नहीं नहीं, आप बताइए वोटर आईडी कैसा बना? अच्छा। जब आप नकाब नहीं खोलोगे तो वोटर आईडी कैसा बनता? जब आप नकाब नहीं खोलोगे तो पासपोर्ट कैसा बनता? जब आप नकाब नहीं खोलोगे तो आधार कार्ड कैसा बनता? तो एक आधार कार्ड के आधार पर नकाब खोल के दिखाना जब पासपोर्ट में है, इमिग्रेशन पे है, वोटर आईडी में है, आधार कार्ड में है, तो वो नकाब निकाल कर दिखाना तो रूल है इलेक्शन का, इसीलिए तो औरतों को ठहरा है वहाँ पर। माधवी के इस वीडियो के सामने आने के बाद इससे तनाजा पैदा हो गया। जब उनको रिक्वेस्ट करते वो लोग नहीं देखते। जब हम कैंडिडेट के हिसाब से हमको हर कहीं देखने के लिए, जब हम रिक्वेस्ट करते देखने के लिए FIR बुक करते, अब ये कैसा बोलो। अब जरा आपको आंध्र प्रदेश की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां लोकसभा और विधानसभा दोनों ही चुनाव एक साथ हो रही हैं। इस बीच गुंटूर जिले के एक पोलिंग बूथ में मारपीट का हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जहां एक वोटर को वोटिंग की लाइन तोड़ना महंगा पड़ गया। इसकी खबर जैसे ही MLA को लगी, वो मौके पर पहुंचे और उस वोटर को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। इस पर वोटर ने भी पलटवार किया और फिर MLA के सपोर्टर्स ने वोटर की जमकर पिटाई कर दी और बड़ा बवाल हो गया। वेस्ट बंगाल में भी वोटिंग के दौरान हंगामा और मारपीट देखने को मिली। दरअसल वर्धमान के दुर्गापुर में BJP और TMC कारकुनान भिड़ गए। वहीं बहरामपुर में हंगामा कर रहे लोगों पर पुलिस ने ताकत का इस्तेमाल किया। पश्चिम बंगाल की ही एक और हैरान करने वाली वारदात देखिए, जिसमें वोटिंग में धांधली की बड़ी तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीरें हैं वेस्ट बंगाल के बोलपुर की, जहां एक बूथ में TMC कारकुनान हाथ पकड़कर वोटर को ले जाते हुए नजर आ रहा है। यही नहीं, TMC कारकुनान ने अपनी मौजूदगी में वोट भी डलवाया। तस्वीरें देखिए कैसे एक वोटर को कारकुनान ने पकड़ा है, बाकायदा उसको पकड़कर स्याही लगवाई जाती है। उसके बाद EVM तक भी वो शख्स वोटर को ही लेकर जाता है। हैरानी वाली बात ये है कि ऐसा करने से बूथ पर मौजूद अधिकारी भी उसे नहीं रोकते हैं। वहीं आसनसोल से भी वोटिंग के दौरान हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक वालिद ने अपने नाबालिग बेटे से वोट डलवाया। वोटिंग के बाद जब सवाल पूछा तो वो खामोश रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम TV।